सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अरफान खान स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नाम सुन के आधे से ज्यादा लोग तो नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म यही है। दोस्तों अमीर लोगों के पास अमीर बनने के हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास अमीर बनने का एक ही रास्ता होता है, और वो होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों मैं आपको आज एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर पढ़ाई लिखाई को मायने नहीं रखती है। इस बिजनेस के अंदर कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कम उम्र के लोग, ज्यादा उम्र के लोग, ए टू जेड हर तरह का इंसान इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा इस बिजनेस के अंदर कम पढ़े लिखे लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग सक्सेस देरी से होते हैं। होते तो हैं लेकिन थोड़ा देरी से होते हैं। अगर रीजन क्या, वजह क्या, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस के अंदर अपना एक्स्ट्रा माइंड चलाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। उनको लगता है कि मैं इस बिजनेस में एकदम मास्टर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैं सब कुछ जानता हूं, उनको ये लगता है। दोस्तों पढ़ाई लिखाई का डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से ज्यादा संबंध नहीं है। आप कितना ही पढ़ाई लिखाई करके आए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आने के बाद अपना दिमाग चलाएंगे तो हमेशा नुकसान में रह जाएंगे। मैं अक्सर देखा हूं इस बिजनेस के अंदर के कम पढ़े लिखे लोग आते हैं और आने के बाद फटाक से सक्सेस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी उनका प्रमोशन हो जाते हैं और उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। एक बार की बात है, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने घर से सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के बैग लेके निकला, और निकलने के बाद जैसे वो अपने शहर से बाहर निकला तो रास्ते में उसको एक नाला दिखाई दिया, नाला समझते हैं, नाली दिखाई दी जिसमें कीचड़ थी। अब उस नाली को कूद के उस पार जाएगा तब वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अब जैसे वो नाली के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो पढ़ा लिखा वो अपना माइंड लगाने लगता है, क्योंकि दोस्तों पढ़े लिखे इंसान हर जगह अपना माइंड लगाते हैं, और ये आपको भी अच्छे से पता है कि दिमाग अपना माइंड हर जगह नहीं लगाया जाता है। अब जैसे नाले के पास पहुंचा, नाले के पास पहुंचने के बाद में वहां पर खड़ा खड़ा वो एंगल लगाने लगा कि मैं इस नाली को 90 अंश से कूदूं, 60 अंश से कूदूं, 70 अंश से कूदूं, ताकि मैं आसानी से कूद जाऊं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। अब वो खड़े खड़े एंगल लगा रहा है, उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, एक घंटा, उसको इतना टाइम हो गया खड़े खड़े एंगल लगा रहा है। इतने में होता क्या है कि पीछे से एक देहाती इंसान आता है, बुजुर्ग टाइप का होता है, धोती पहनता है, धोती पहने हुए होता है। अब वो आता है, अपनी धोती उचकाता है, फटाक से कूद जाता है। वो एक भी सेकंड जाया नहीं करता है, एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करता है, उसने धोती उचकाई, कूदा और चला गया। और पढ़ा लिखा इंसान सोच रहा है कि मैं यहाँ एक घंटे से खड़ा हूं और खड़े खड़े मैं यहाँ पर एंगल लगा रहा हूं कि मैं किस एंगल से इस नाले को कूदूं, और ये एक देहाती आता है, आया है, धोती उचकाई और बिना टाइम वेस्ट की कूद गया और चला गया, तो मुझे भी कूद जाना चाहिए और चले जाना चाहिए। तो वो भी कूदता है और चला जाता है। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि मुझे एक बात बताइए कि उस नाली पे खड़े होके एंगल लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं एंगल लगाऊं और तभी कूदूंगा। अभी नाली है यार, फटाक से कूद और पहुंच जा। तो वैसे सेम है, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, आने के बाद अपना दिमाग लगाने लगते हैं, कंपनी क्या करती है, कहां से पैसा आता है, क्या होता है, अप्लाइंट को कितना पैसा मिलेगा, मैं यहां काम करूंगा तो मेरे काम करने से अप्लाइंट को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, मैं क्यों करूं, इतना काम करूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा, ये सारी चीजें वहां पर लगाने लगता है। जो वहां पर साइन थीटा कोस थीटा पढ़ के आया है, वो साइन थीटा कोस थीटा वो डायरेक्ट सेलिंग में लगाने लगता है। तो ऐसा दिमाग लगाने से क्या होता है, उसका एक महीना, दो महीना, तीन महीना वेस्ट हो जाता है। और कोई अव्यक्ति आता है कम पढ़ा लिखा, गरीब फैमिली से निकलने के बाद उसने अपने अप्लाइंट से बात की, अप्लाइंट ने उसको इस बिजनेस के बारे में बताया, उसने समझा और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अप्लाइंट की बातों को फॉलो किया, काम करने लगा, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, क्या हुआ, वो प्रमोशन लेता गया, तरक्की करता गया और डायमंड बन गया। अब उसको क्या लगा, जो पढ़े लिखा इंसान था, कि यार एक कम पढ़ा लिखा लोग मुझसे पहले इस बिजनेस में
डायमंड बन गया है और मैं यहाँ पढ़ा लिखा है अपना दिमाग लगा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कम पढ़े लिखे लोग जल्दी बन जाते हैं क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाते हैं। जो लोग अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं वो इस बिजनेस से पीछे रह जाते हैं, फिर उनको समझ आती है यार मुझसे बात क्या है, वो लोग मुझसे आगे निकल गए। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों एक बार की बात है, दो भाई थे, दो सगे भाई थे। एक भाई गांव में रहता था, खेती किसानी करता था, बड़ा भाई। उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाई लिखाई के लिए उसने शहर भेज दिया, सिटी भेज दिया। अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके शहर से वो गाँव में आया। गाँव में आने के बाद देखा कि उसका बड़ा भाई जो है वो खेती किसानी कर रहा है, पशु पाल रखे हैं, भैंसे पाल रखी हैं, उनका दूध दूहता है और बेचता है और अपना जीवन यापन करता है। अब वो जो शहर से पढ़ा लिखा लड़का आया था वो भैंस को देखता है और उसके मन में कैलकुलेशन चलने लगती है, वहां पर वो अपना दिमाग चलाने लगता है। वो सोचता है कि भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भैंस का रंग काला है, ये चारा खा रही है वो हरा खा रही है और जो दूध दे रही है वो सफेद दे रही है। एक बात समझ में नहीं आती कि भैंस का रंग काला है, चारा हरा खा रही है, सफेद दूध क्यों दे रही है, या तो काला दूध दे या हरा दूध दे। अब मुझे एक बात बताओ कि वहां पर अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है, काली भैंस, हरा चारा, सफेद दूध। अब उसको नींद नहीं आती है, वो रात को उठता है और भैंस को काट देता है और काटने के बाद देखता है कि दूध कहाँ से आ रहा। मुझे एक बात बताइए कि भैंस को काटने के बाद सफेद दूध निकलेगा कहीं से, हरा चारा कहीं से निकलेगा? तो कहीं भी निकलता है, उसकी भैंस मार देता है और सुबह वो भाग जाता है वहां से। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि काला रंग है भैंस का, हरा चारा खा रही, सफेद दूध क्यों दे रही है, डायमंड लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आखिर ये गरीब लोग अमीर क्यों बन रहे हैं, कहाँ से इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, कि मोटिवेशन तो नहीं है, रोज पर डे गाड़ी निकल रही है, जगुआर मर्सिडीज ऑडी इतनी सारी गाड़ियां कहाँ से आ रही है। वो अपना दिमाग लगाता है, कहीं कुछ नहीं होता है। वहां पर अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है दोस्तों? मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड हमेशा नुकसान देता है। पहले सिस्टम को सही से समझे तब काम को स्टार्ट करे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं क्या हुआ दोस्तों। एक किसान था, अपने गांव से वो बैलगाड़ी लेके निकलता था खेत पे, वहां से चारा काटता, गाड़ी में डालता और वापस घर को आ जाता था। उसका क्या काम था, उसने गाड़ी घर से जोड़ी और बैलों को चलाया और गाड़ी में आराम से लेट गया, सो गया। अब उसके बैल क्या थे, आराम से चलते थे और बिना चलाए खेत पर पहुंच जाते थे। खेत पर वो उठा है, उठने के बाद उसने चारा काटा, फिर गाड़ी में डाला, फिर सो गया, फिर वो घर आ गया। उसका पर डे का यही रूटीन था। एक बार एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने बीटेक कर रखा था, अब उसने उसके बैलों को रास्ते में रोक लिया। जब बैल रुके तो किसान उठा, बोला बताइए भाई क्या बात। वो बीटेक जो होल्डर था वो ये बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने अपने बैलों को बड़ा ट्रेन करके रख रखा है, क्या बात है, क्या आपके बैल खेत पे जाकर डायरेक्ट खेत पे जाकर रुकते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, दूसरी मंजिल पर नहीं जाते हैं, खेत से घर आते हैं, घर से खेत जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है? तो किसान के पास में एक सिंपल सा आसान सा जवाब था। वो क्या जवाब था कि भाई मैंने अपने बैलों को गले में घंटी बांध रखी है। घंटी का मतलब यह है कि जब बैल चलेंगे घंटी हिलेगी, घंटी बजेगी, मेरे कानों में उसकी आवाज आती रहेगी और मुझे लगता रहेगा मेरे बैल चल रहे हैं। जब खेत पे जाके बैल रुक जाते हैं तो घंटी बजना बंद हो जाता है, मुझे लगता है कि खेत आ गया, मैं उतरता हूँ, चारा वारा काटता हूँ, डालता हूँ, फिर जोड़ देता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। फिर जब बैल चलते हैं घर पे आंदे रुकते हैं, फिर घंटी बजना बंद हो जाती है। तो यही मेरा सिंपल सा फंडा, बाकी वो कुछ नहीं है। मुझे पता चल जाता है घंटी बजना बंद तो या तो खेत आ गया घर आ गया। और बीटेक वाला जो व्यक्ति था वो बोलता है, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि बैलों ने बीच रास्ते में खड़े होकर अपना दिमाग चला दिया और दिमाग चलाने के बाद में क्या करा, बैल खड़े रहे और खड़े खड़े वो अपनी गर्दन हिला रहे हैं इस तरह से और घंटी बज रही है। आपको तो ये लगता रहेगा कि मेरे बैल चल रहे हैं, बैल अपनी जगह पर खड़े खड़े घंटी हिला रहे हैं, आपको आवाज आती रहेगी। तो किसान क्या बोलता, किसान बोलता है कि दोस्त मेरे बैल ने बीटेक नहीं किया जो अपना दिमाग चलाएगा, तूने बीटेक किया तो अपना दिमाग चलाता रहे। तो दोस्तों इस कहानी से ही मतलब ये होता है कि हर जगह अपना दिमाग नहीं चला जाता है। अक्सर ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा इंजीनियर लोग अपना दिमाग चलाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह अपना माइंड नहीं चला जाता है। सही से सिस्टम को समझे, अपलाइन की बातों को माने, सिस्टम को फॉलो करें,
और सही तरीके से काम करें, अपना दिमाग चलाएं, लेकिन जहां पर जरूरत हो वहां पर अपना दिमाग चलाएं। गलत बातों पर, बाह्यात बातों पर, उल्टी सीधी बातों पर दिमाग चलाएंगे तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। दोस्तों अपलाइन आपका यहाँ पर आपसे पहले आया है, उसको ज्यादा जानकारी है, अपलाइन के साथ बैठे, उसको सही से सिस्टम को समझें। सिस्टम को समझने के बाद अब सिस्टम पे वहां पर अपना दिमाग लगाएं, तब अच्छे से काम करें, तब आपको तरक्की मिलेगी। वरना यही होगा कि आप कम पढ़े लिखे लोग, आपके बाद के आए हुए लोग आपसे पहले बन जाएंगे, फिर आपको बाद में अकल आएगी, इतना टाइम निकल जाएगा। तो दोस्तों जितने ही पढ़े लिखे लोग हैं अपना दिमाग डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा कम चलाएं, वहां पर चलाएं जहां पर जरूरत हो, अपलाइन की बातों को फॉलो करें, उसकी बातों को माने और तब जाके काम करें, आपको 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्तों अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ में जो लोग अपना एक्स्ट्रा माइंड चलाते हैं और फेल हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।